आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में सेब खाना चाहिए या फिर नहीं। आपने बहुत बार सुना होगा दादी नानी माँ और सबको कहते हुए कि प्रेगनेंसी में ऐसा खाना खाओ जिससे कि तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे दोनों को पोषण मिले। तो इनमें से ही एक है सेब खाना। अगर आप सेब खाती हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताने वाली हूँ कि सेब खाने के फ़ायदे क्या हैं और सेब खाने के नुकसान क्या हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। अब बात कर लेते हैं कि सेब में कौन कौन से गुण होते हैं जिनकी वजह से आपको सेब खाना ज़रूरी है, यानी आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले जो बेनिफिट है वो ये है कि इसमें फाइबर, बीटा कैरोटीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें होती हैं और भी बहुत सारे फ़ायदेमंद चीज़ होती है जिसकी वजह से आप और आपका बेबी दोनों हेल्दी रह सकता है। तो आपको इसीलिए कहा जाता है कि सेब अपने डाइट में शामिल करना ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि आखिर आप सेब खाते हैं तो इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो अगर आपको एनीमिया की शिकायत है तो आपको सेब ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि अगर आपको खून की कमी है तो अगर आप सेब खाएंगी तो आपकी ये खून की कमी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और आपको और आपके बच्चे को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी डिलीवरी के समय। तो आपको ये ज़रूर खाने में अपने शामिल करना चाहिए। बात कर लेते हैं दूसरे फ़ायदे के बारे में। ये कब्ज़ को रोकता है, यानी आपके पेट को साफ़ करता है। आपको पता होगा प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, गैस, अपच, कब्ज़ की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आप एप्पल खाती हैं यानी सीमित मात्रा में, तो आपको इस तरह की परेशानी से बचने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। सेब में फाइबर होता है जो आपके पेट फूलने, गैस की समस्या और कब्ज़ की समस्या को ठीक कर सकता है। तो इसलिए आपको अपने डाइट में सेब को शामिल ज़रूर करना चाहिए। अगला जो फ़ायदा है वो है आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो आपको डिलीवरी के टाइम काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहे। अगर आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी तो आपको आगे यानी कि डिलीवरी के टाइम में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आप सेब खाएंगी तो आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी। इसमें विटामिन सी पाया जाता है और ये आपके डिलीवरी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला सेब खाने का फ़ायदा है, ये आपको एनर्जी देता है, यानी एक एनर्जी बूस्टर का काम करता है। जब भी आपको थोड़ी बहुत हल्की भूख लगे आप एक सेब का सेवन कर सकती हैं। इससे आपको तुरंत एनर्जी मिलेगी और फिर आप काफ़ी ज़्यादा तरोताज़ा महसूस करेंगे और फिर ये आपके फ्री रेडिकल से लड़ने में भी मदद करेगा। अगला फ़ायदा है कि अगर आपको सीने में जलन होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है, तो अगर आपको प्रेगनेंसी में सीने में जलन हो रही है, परेशानी हो रही है, तो भी अगर आप सेब का सेवन करती हैं तो यहाँ पर इससे आपको राहत पाने में बहुत हद तक मदद मिलने वाली है। तो सेब का सेवन इस मामले में ज़रूर करें। अब बात कर लेते हैं कि आखिर आपको सेब कब खाना चाहिए। ये सबसे बड़ा सवाल होता है, क्या हम दिन में खाएं या फिर रात में खाएं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आप सेब दिन में ज़्यादा खाएँ, यानी सुबह खाएं, नाश्ते में खा सकते हैं, दोपहर में खा सकते हैं, शाम में खाने से मना किया जाता है। लेकिन अगर फिर भी आपके डॉक्टर कहते हैं तो आप खा सकते हैं, लेकिन 6 बजे के बाद आप ना खाएं, इससे थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है। तो ये रही बात कि आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए और किस समय खाना चाहिए। लेकिन और कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो आपको रखने की ज़रूरत है, जैसे कि सेब के बीज में साइनाइड पाया जाता है, इसलिए अगर आप जब भी सेब खाते हैं तो ध्यान रखें उसके बीज आप पहले से ही निकाल दें, क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं। अगर इस तरह में आपको किसी भी तरह की छोटी मोटी भी दिक्कत होती है तो ये बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। इसलिए इसके बीज निकाल कर ही आप सेब का सेवन करें और आप बहुत कम मात्रा में, यानी 1 से 2 सेब रोज़ाना खाएं। इससे ज़्यादा सेब का सेवन ना करें, क्योंकि कोई भी चीज़ एक सीमित मात्रा में खाने पर यह आपको लाभ पहुंचाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो ये दिक्कत भी दे सकती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।